नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। विश्व के प्रसिद्ध रामलीला अयोध्या रामलीला की प्रेस वार्ता और हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शहबाज खान मौजूद है, जो इस बार भी रावण की भूमिका में नजर आएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने, मीडिया ने इतना अच्छा हम लोगों का साथ दिया अयोध्या की रामलीला का। तो सर, इस बार क्या धमाका करने वाले हैं रावण के किरदार में? अरे, इस बार तो बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है, क्योंकि इस बार पिछली दफा से ज्यादा VFX हैं और बहुत सारे स्टेज क्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, लाइटिंग्स अलग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 35-40 करोड़ लोग इस रामलीला को एक साथ देखते हैं, तो वो एक अपने आप में एक मिसाल है। सर, देखा गया आप नेगेटिव रोल को फुल एंजॉय करते हो, सर क्या वजह? वो नेगेटिव रोल्स एक्टर के लिए एक जो एक्टिंग का जो स्टूडेंट है, जैसे कि मैं हूँ, एक एक्टर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए नेगेटिव रोल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब ने कोशिश की है नेगेटिव रोल करने की, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, सब ने कोशिश की है कि नेगेटिव करें। अगर पूरी तरह नेगेटिव नहीं तो कम से कम ग्रे शेड तो करते ही। अयोध्या रामलीला से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी हमें बताइए, पिछले कई सालों से आप जुड़े हुए हैं अयोध्या रामलीला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक तो भगवान राम की जन्मभूमि में ये जो हो रहा है रामलीला, वहीं पे उन्हीं के जन्म स्थान पर हो रही है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम सब के लिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं रामलीला का हिस्सा हूँ। दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे, दिल्ली में आके कैसा लगता है? अरे, दिल्ली तो कमाल का शहर है। दिल्ली जब आओ, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, और दिल्ली के लोगों की तो क्या बात है, बहुत बड़े दिल के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और बस थोड़ी सी इस बार गर्मी लगी, लेकिन दिल्ली सर्दियों में जो दिल्ली है वो दिल्ली का मुकाबला नहीं, और दिल्ली रॉक्स। रावण के किरदार की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप दर्शकों को कहेंगे अपनानी चाहिए? रावण के किरदार, रावण एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न पंडित था। बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी, जैसे जैसे उसकी जो भगवान शिव जी के लिए जो उसकी भक्ति, और जिस तरह से अपने परिवार के लिए प्रेम। एक चीज़ उसमें सिर्फ गलत थी, जो उसको ले डूबी, वो था अहंकार। तो अहंकार के अलावा तो रावण में सारी बातें अच्छी थी। इतना गुणी आदमी, गाना भी गाता था, सास भी बजाता था। रावण हत्ता निकाला हुआ है, रावण हत्ता एक बजता है, वो रावण का निकाला हुआ है। बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छा लिखते भी थे, मतलब कोई कमी नहीं थी रावण में। सिर्फ जो अहंकार था रावण का, जो प्राइड कि मैं हूँ तो कोई नहीं है, वो प्राइड ले डूबा। तो मैं तो उसके अलावा मुझे रावण में कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन अहंकार इतनी बड़ी कमी है कि उसने सबको कवर कर दिया। अपने अंदाज में रावण का जो श्लोक है जो काफी आपका प्रसिद्ध है, वो सुना दीजिए हमारे देश में। जटाटवि कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबिलांबिताम भुजंग तुंग मालिका दगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अयोध्या रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता शहबाज खान। मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया, देखते रहे युग वाणी टाइम्स।